हेलो फ्रेंड्स, आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है और मैं आपका फ्रेंड रवि तिवारी फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। तो फ्रेंड, 2020 हो गया है ख़त्म और 2020 की मेरी जितनी भी ड्राइंगें मैंने बनाई है, बहुत सारी ड्राइंगें बनाई है और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, सो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि 2020 में क्या क्या हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि 2020 में मैंने बहुत सारी ड्राइंगें बनाई हैं और 2020 में ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 2020 पेंडेमिक सिचुएशन से भरी हुई थी, पूरी कोविड का पूरा उसमें चल रहा था। सो 2020 मेरे लिए कैसा रहा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, जो 2020 है उसमें मैंने बहुत सारी ड्राइंगें बनाई और बहुत सारी टाइप्स की ड्राइंगें बनाई। सो जितनी भी मैंने ड्राइंग बनाई है उसमें से मैंने टॉप 30 ड्राइंग्स सेलेक्ट करी हैं। वैसे तो सारी ड्राइंग ही अच्छी है, बट जो टॉप 30 मैंने ड्राइंग सेलेक्ट करी है उसमें हर ड्राइंग में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन ये पर्टिकुलर ड्राइंग्स ऐसी हैं जिसमें कि मैंने कुछ ना कुछ जरूर एडवांस लेवल का सीखा है या फिर कुछ अच्छी चीज़ें मुझे पता चली है। फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी साथ में जरूर दबा दें। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आर्टिस्ट रवि तिवारी के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले ड्राइंग से। सो जो मेरी पहली ड्राइंग है वो है माय फर्स्ट चैलेंज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वाली ड्राइंग काफ़ी चैलेंजिंग थी मेरे लिए, बच्चों की ड्राइंग मैं ज़्यादा बनाता नहीं था। सो इस वाली ड्राइंग से मैंने स्टार्ट किया था, चारकोल और ग्रेफाइट का मिक्सचर करके इस ड्राइंग को मैंने बनाया था। सो ये ड्राइंग काफ़ी बेहतरीन थी और थोड़ा सा मैंने A3 साइज़ में। तो फ्रेंड्स, अब मैं सेकंड ड्राइंग की बात करूँगा। सेकंड ड्राइंग जो है मेरी वो तानाजी का पोर्ट्रेट है। सो आपने देखी है वो ड्राइंग, उसमें मैंने पोस्टर कलर का यूज़ करा है और काफ़ी थिक यूज़ करा है, बहुत ज़्यादा कलर ब्राइट कलर्स यूज़ करे हैं। सो ये काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, इसीलिए मैंने इस ड्राइंग को सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें जो कलर्स थे वो काफ़ी ब्राइट थे और काफ़ी ज़्यादा डार्क मैंने कलरों का यूज़ किया है। सो ये मेरे लिए बहुत नया था। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग तीसरी ड्राइंग के बारे में। तीसरी ड्राइंग जो है मेरी वो रीयूज ड्राइंग का है, जो कि इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें मैंने कैनवास पे एक लैंडस्केप बनाया है जो कि मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ करके बनाया था। इससे पहले मैंने सेम इसी कैनवास पे मैंने कोई और ड्राइंग बनाई थी जो कि बहुत मतलब बेकार बनी थी। सो मैंने उसको रीयूज़ करते हुए ये वाला लैंडस्केप बनाया था जो कि बहुत सही बना था और मुझे बहुत भी अच्छा लगा था। इसमें मैंने डिटेलिंग वर्क ज़्यादा किया था, सो इसलिए मैंने इस ड्राइंग को रखा है। तो अब फ्रेंड्स, बात करेंगे चौथी ड्राइंग के बारे में। चौथी ड्राइंग जो है मेरी वो मैंने पेन से बनाई थी। पेन से फ्रेंड्स, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी ये वाली ड्राइंग। और ये हमारा जो लाइटिंग मैन है सिब्बू, आप जानते हैं उसको, सो उसकी मैंने ड्राइंग बनाई थी पेन से और ये ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी बनी थी। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम लोग फिफ्थ ड्राइंग के बारे में, जो कि मैंने टाइगर श्रॉफ की बनाई थी, बागी 3 से बनाई थी वाली ड्राइंग। और ये मैंने फुली ग्रेफाइट से बनाई थी और काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि इसमें उसकी मैंने पूरी बॉडी दिखाई थी, जो उसके पैक्स थे ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई थी। आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था इसमें मुझे, इसमें मेरे 11,000 व्यूज़ आए हैं और कमेंट भी आपने बहुत अच्छे किए हैं। सो ये ड्राइंग काफ़ी अच्छी रही मेरी। इस वाले ड्राइंग में फ्रेंड्स, मैंने डिटेलिंग वर्क बहुत ज़्यादा किया है और काफ़ी अच्छा बनाया, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो ड्राइंग है ये मैंने लॉर्ड शिवा की ड्राइंग बनाई थी, शंकर भगवान की जो ड्राइंग है ये बनाई थी मैंने और पोस्टर कलर का यूज़ करके बनाया था। इसमें फ्रेंड्स, मैंने उनको नंदी के ऊपर बिठा के, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही मैंने इस टाइप से ड्राइंग करी थी कि मतलब उसमें पूरी उनकी सवारी दिखा के और एक एक चीज़ पे हमने डिटेलिंग किया था। सो ये ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी बनी थी और आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला है इस पर। अब बात करेंगे नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में, जो कि है हल्क की ड्राइंग। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने बॉल पेन का यूज़ किया है और इसमें वाटर कलर का भी यूज़ किया और पेंसिल कलर का भी यूज़ किया है, तो बहुत सारे कलरों का मैंने इसमें यूज़ किया है। सो ये ड्राइंग भी कुछ अलग हो जाती है। सो मेरे लिए काफ़ी नया था इस ड्राइंग को करना, सो इसलिए मैंने इस वाली ड्राइंग को इसमें रखा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में। पहली ड्राइंग मैंने बनाई थी विजय देवकुंडा की, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना। और फ्रेंड्स, ये वाली ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी बनी थी, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिला है इस पर भी। इस पर मैंने ग्रेफाइट और चारकोल दोनों का यूज़ करके बनाया था। चारकोल फ्रेंड्स, मैंने इसमें चारकोल पेंसिल का यूज़ किया था, कैमलिन वाली जो चारकोल पेंसिल है उसका यूज़ किया था, और जो इफेक्ट आए थे बालों के और भी जो डिटेलिंग पार्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे आए थे। सो इसलिए मैंने इस वाली ड्राइंग को रखा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में, जो कि है हनुमान जी की ड्राइंग मैंने बनाई थी, और ये भी बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनी थी। एक्रेलिक कलर का यूज़ करते हुए मैंने इस ड्राइंग को बनाया था। इसमें जो डिटेलिंग पार्ट्स है वो मैंने बहुत अच्छे से इसमें किया था, तो स्पेशली ये पर्सनली भी ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने बहुत टाइम से मैं चाह रहा था कि ये वाली ड्राइंग बनाऊं। और फ्रेंड्स, ये ड्राइंग सही में ही बहुत सही बनी थी, सो इसलिए मैंने इस ड्राइंग को रखा है और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिला हुआ है इसमें। आप लोगों को भी ये ड्राइंग बहुत ही पसंद आई थी,
सो अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में। फ्रेंड, नेक्स्ट ड्राइंग है हमारे फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो की, शक्तिमान की। सो शक्तिमान की ड्राइंग भी मैंने एक्लेरिक कलर का यूज़ करते हुए बनाया था। सो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ शक्तिमान, और शक्तिमान मेरा फेवरेट है। सो इसलिए मैंने इस ड्राइंग को बनाया था, और ये ड्राइंग भी बहुत ही अच्छी बनी थी। इसमें जो उसके यहाँ पे फूल है उस पर मैंने डिटेलिंग बहुत अच्छी करी थी, मतलब मुझे सही लगा थी, और जो उसमें शाइनिंग पार्ट था वो भी बहुत ही अच्छा बनाया था मैंने। सो इसलिए मैंने इस ड्राइंग को रखा है, और आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला है इस ड्राइंग में। आप देखना जरूर इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है। मैं इन सब के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से बैठ के देखना अगर आपने नहीं देखी है तो। बात करेंगे नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में। जो हमारी नेक्स्ट ड्राइंग है वो है राम जी की। आपको पता है जब लॉकडाउन अभी लगा था 3-4 महीने के लिए, सो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में पूरी रामायण की सीरीज स्टार्ट करी गई थी, जो रामानंद सागर वाली थी, पुरानी वाली जो रामायण है। और तो फ्रेंड्स, मैंने ये वाली ड्राइंग बनाई थी, जो राम जी का, जो राम जी की ड्राइंग है वो वाली मैंने इसमें ड्राइंग बनाई थी, और एक्लेरिक कलर का यूज़ करते हुए बनाई थी। सो इसमें भी आप लोगों का जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा मुझे मिला है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में। सो नेक्स्ट वाली जो ड्राइंग है वो काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, और पर्सनली भी बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि जो हमारे जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, सो उनकी मैंने ये ड्राइंग बनाई थी, और ये काफ़ी यादगार हो जाता है, जैसे कि किसी का बर्थडे होता है। ये वैसे आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है, और इस ड्राइंग को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है, मतलब एक स्टोरी टाइप की दिखा के पूरा सही से। सो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फ्रेंड जो हमारा 8 लोगों का ग्रुप है दोस्तों का, सो उनका मैंने पोर्ट्रेट बनाया था इसमें पूरा, सब लोग हैं, और काफ़ी बढ़िया ड्राइंग बनी, आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में। नेक्स्ट ड्राइंग है हमारी सलमान खान की, जो कि मैंने ये कोविड में सलमान खान का एक गाना भी आया था, सो उसका जो थंबनेल था उससे मैंने ये वाला पोर्ट्रेट बनाया था। और ये भी फ्रेंड्स पोर्ट्रेट जो है काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट बना था। इसमें मैंने फुली, इसमें जो इसके बालों का वो है और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो सब चारकोल से बनाया था। जो फेस का पूरा टेक्सचर है वो मैंने ग्रेफाइट से बनाया था, और जो सलमान खान का ब्रेसलेट दिखता है वो मैंने एक्लेरिक कलर से बनाया था। सो ये ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी बनी थी, इसलिए मैंने इसको रखा है। इसमें डिटेलिंग पोर्शन भी अच्छा बना था, सो इसलिए मैंने इस ड्राइंग को रखा है। फ्रेंड्स अब बात करेंगे नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में। नेक्स्ट ड्राइंग जो है हमारी वो है एक एनिमल की मैंने ड्राइंग बनाई थी, जो मेरे दोस्त का पेट है, उसकी मैंने ड्राइंग बनाई थी। अब तो ये बहुत बड़ा हो गया होगा। सो इसकी जो मैंने ये ड्राइंग बनाई थी, इसमें मैंने डिटेलिंग पोर्शन बहुत अच्छा बनाया था। एनिमल की ड्राइंग मैं बहुत ही कम बनाता हूँ, सो इससे मैंने स्टार्ट किया था, और बाई चांस ही बहुत ही अच्छा बना था, और आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला है। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में। नेक्स्ट ड्राइंग है जो फ्रेंड्स वो हमारी है मदर्स डे की। ये ड्राइंग बहुत ही बेहतरीन बनी थी, मतलब बहुत ही बेहतरीन, मतलब बहुत ही अच्छी बनी थी। आप ज़रूर देखना इस ड्राइंग को। और इसमें मैंने चारकोल और ग्रेफाइट से ही बनाया था, सेम टू सेम। इसमें जो डिटेलिंग पोर्शन है, मतलब एक माँ के चेहरे पर जो हल्की सी स्माइल होती है वो मैंने इसमें करी थी, तो वो भी काफ़ी अच्छा आ गया था इसमें। सो इसलिए मैंने इस ड्राइंग को रखी है। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में। नेक्स्ट वाली ड्राइंग है वो फिर से हमारी है लॉर्ड हनुमान जी की, हनुमान जी की ड्राइंग है। इसमें मैंने जो पेंसिल की डिटेलिंग दी है वो बहुत ही अच्छी बनी है, और ये पर्सनली ये ड्राइंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, सो इसीलिए मैंने इस ड्राइंग को इसमें रखा है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में। नेक्स्ट ड्राइंग जो है हमारी वो किशोर कुमार की है। किशोर कुमार वन ऑफ द बेस्ट है मेरे, हमेशा से फेवरेट रहे, मैं उनके गाने हमेशा सुनते हुए आ रहा हूँ और अभी भी सुनता हूँ। सो इनकी जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो 2 कलरों का यूज़ कराया है, पोस्टर कलर का यूज़ कराया है। और फ्रेंड्स जो 2 कलर है वो है ब्लैक एंड वाइट, इन 2 कलरों का यूज़ करते हुए मैंने ये ड्राइंग को बनाई है, इसलिए थोड़ी सी खास हो जाती है और थोड़ा सा अलग भी हो जाती है, इसलिए मैंने इस ड्राइंग को रखा है। जो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट ड्राइंग है वो है 15 अगस्त की ड्राइंग। इसमें मैंने हमारे जितने भी वॉरियर्स हैं उनकी ड्राइंग बनाई है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह, ये सब लोग हैं इसमें। सो इनकी ड्राइंग मैंने बनाई है, और ये बहुत ही खास हो जाती है, और पोस्टर कलर का यूज़ करते हुए बनाई है। बहुत ही बड़े चार्ट में बनाया है, 2 साइज़ है फ्रेंड्स, वो डबल चार्ट का है बिल्कुल ही, और इसको मैंने पोस्टर कलर से बनाया, और काफ़ी बेहतरीन ड्राइंग बनी थी है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो है लॉर्ड कृष्णा की। इसको मैंने रीयूज़ करते हुए बनाया था, और पोस्टर कलर का यूज़ करते हुए बनाया था। इसमें मैंने इनके जो कृष्ण भगवान है वेरिएशन बनाए थे, इनके बहुत सारे रूप बनाए थे इसमें, मतलब जो उनके छोटे से लेके बड़े तक का, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें दिखाई थी। नेक्स्ट ड्राइंग है वो है पोर्ट्रेट का है, जो मैंने अपने दोस्त का बनाया था। ये भी काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट बनाया था, डिटेलिंग वर्क बहुत ही अच्छा हुआ था। सो आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इस ड्राइंग में, सो इसलिए मैंने इस ड्राइंग को रखा है। नेक्स्ट ड्राइंग है फ्रेंड्स हम सबका फेवरेट ब्लैक पैंथर। इनकी मैंने ड्राइंग बनाई थी, और काफ़ी सही बनी थी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बिल्कुल डार्क ड्राइंग करी थी। और जो ब्लैक पैंथर का सूट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बिल्कुल ब्लैक था, और इसमें डिटेलिंग वर्क कितना अच्छा है। सो ये मैंने बनाया था, काफ़ी सही बन गया था, और डिटेलिंग वर्क भी बहुत अच्छा हो गया था, इसलिए मैंने इस चीज़ को रखा है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट ड्राइंग जो है वो है लक्ष्मी बॉम्ब की। वो मैंने अक्षय कुमार का उसमें बनाया था, आपने फिल्म देखी है लक्ष्मी, इसमें अक्षय कुमार के 2 रूप हैं, एक
जो सही रहता है वो, और जब उसके अंदर आत्मा घुस जाती है वो सेकंड वाला। सो ये दोनों मैंने कैरेक्टर इसमें बनाया है, ये भी बहुत अच्छा बनाता। सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में, जो मैंने नवरात्रि का बनाया था, दुर्गा माता का बनाया था। सो ये ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी बनी थी, ये मैंने सॉफ्ट पेस्टल और पेंसिल कलर का यूज़ करते हुए बनाया था। सो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो है अनुष्का शेट्टी की, मैंने ड्राइंग बनाई थी सॉफ्ट पेस्टल कलर का यूज़ करते हुए और पेंसिल कलर का यूज़ करते हुए बनाया था। ये ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी बनी थी और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिला है इसमें, आप लोगों ने बहुत पसंद करी है इस ड्राइंग को, इसलिए मैंने इस ड्राइंग को इसमें रखा है। तो नेक्स्ट ड्राइंग है वो है ओल्ड मैन की, मैंने एक ड्राइंग बनाई थी। सो फ्रेंड्स ये वाली जो ड्राइंग है ये मैंने टोन पेपर में बनाया था, वाइट चारकोल और ब्लैक चारकोल इन दोनों का यूज़ करते हुए मैंने बनाया था, और इसमें ग्रेफाइट भी यूज़ करा था मैंने, ग्रेफाइट पेंसिल का भी। सो ये ड्राइंग भी काफ़ी खास है मेरे लिए और काफ़ी अलग ड्राइंग है, सो मैंने इसलिए इस ड्राइंग को इसमें रखा है। फ्रेंड्स जो मेरी नेक्स्ट ड्राइंग है वो है बेस्ट वेडिंग गिफ्ट वाली ड्राइंग। सो ये वाली ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी बनी थी, इसमें जो मैंने चश्मे में डिटेलिंग करी है वो काफ़ी अच्छा बना था, इसी वजह से मैंने इस ड्राइंग को इसमें रखा है। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो है टाइटैनिक वाली जो ड्राइंग है वो है, इसमें मैंने जो टाइटैनिक की एक्ट्रेस है उनकी ड्राइंग बनाई थी, और ये भी बहुत ही अच्छी बनी थी। ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था बनाने के लिए बट नहीं बना पा रहा था, क्योंकि लेडीज़ की जो फिगर्स हैं वो बनाने में मुझे मतलब मेरे से सही नहीं बनते थे, मतलब मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था कि जब अच्छा बनने लग जाएगा तब इस ड्राइंग को मैं ट्राई करूँगा। सो फाइनली मेरी ड्राइंग में इंप्रूवमेंट आया और फिर मैंने इस ड्राइंग को बनाया है। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में, जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो बहुत ही बेहतरीन ड्राइंग है फ्रेंड्स, वो है लॉर्ड कृष्णा वाली ड्राइंग, जो कि मैंने उसमें पूरा महाभारत का दिखा रखा है, आपको पता है उस ड्राइंग के बारे में, उसमें आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है और वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग है मेरी वो, और पर्सनली जो मुझे पसंद है और घर में भी सबको पसंद आई थी, और जनरली आपको पता है पापा को ड्राइंग पसंद आती नहीं है, मतलब पसंद तो आती है बट उतना रिव्यू वो देते नहीं है अच्छे से। सो इस ड्राइंग में उन्होंने अपने आप ही बोला था कि हाँ ड्राइंग अच्छी है बिना पूछे, मतलब जनरली मुझे हर बार पूछना पड़ता है, इस बार बिना पूछे उनका रिव्यू आया था। सो इसलिए मैंने इस ड्राइंग को इसमें रखा है इस वीडियो में। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में। सो फ्रेंड नेक्स्ट ड्राइंग है अमिताभ बच्चन की, ये मैंने पोस्टर कलर का यूज़ करते हुए बनाया था, और जो बैकग्राउंड है वो मैंने वाटर कलर से दिया था। सो ये ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी बनी थी, ये भी आप देखना। और अब बात करते हैं लास्ट ड्राइंग। फ्रेंड्स जो हमारी लास्ट ड्राइंग है वो है मुन्ना भैया की ड्राइंग, जो कि आपको पता है कौन है मुन्ना भैया। सो ये कैरेक्टर है मिर्ज़ापुर का और काफ़ी फेमस कैरेक्टर है आपको बताइए। सो ये मैंने जो ड्राइंग बनाई थी ये मैंने इसमें थोड़ा सा, जैसे जनरली हम क्या करते हैं कि फेस कलर डालते हैं किसी अगर हम फेस बना रहे तो, लेकिन मैंने इसमें पिंक कलर की शेड दी थी, तो ये काफ़ी अलग हो गया था मेरे लिए, और सॉफ्ट पेस्टल कलर का यूज़ करा था, सो इसलिए मैंने इस ड्राइंग को रखा था। सो फ्रेंड्स मेरी जो टॉप 30 ड्राइंग है वो हो गई है ख़त्म। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन के साथ में जरूर दबा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन सब ड्राइंगों में से मेरी कौन सी ड्राइंग सबसे अच्छी लगी। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ड्राइंग करते रहिए।